जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, उसे हम एक बोल में ले लेंगे। दो चम्मच इसमें हम देसी घी के डालेंगे। घी को आटे में हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने घी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम पानी से इसका डो तैयार करेंगे। ये हमने डो को तैयार कर लिया है, इसको एक साइड में रखेंगे। गैस को ऑन करके मैंने एक बर्तन को रख दिया है, उसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। ये मैंने आधा कप चीनी ली है, चौथाई कप इसमें हम पानी डालेंगे। चीनी घुलने तक हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, गैस को हम ऑफ करेंगे और इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी को हम एक तरफ रख देंगे। एक पैन में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जो डो बनाकर रखा था, अब हम उसकी पफची बनाएंगे। इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इनको सिलेंडर की शेप में बना लिया है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम गर्म तेल में डालेंगे और बिल्कुल कम गैस पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये हमारी पफची गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, इसको हम एक प्लेट पर निकालेंगे। अब इस पफची को हम चाशनी में डालेंगे, जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी। ये चाशनी में हमने अच्छे से डुबो दी है, अब इसको हम सर्विंग प्लेट पर रखेंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लीजिए, हमारी पफची बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं और इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए।